कहाँ हो? हाँ हाँ बस रास्ते में हूँ। तुम पहुँच गई? मैं तो घर पर ही हूँ ना। अच्छा चलो चलो आ रहा हूँ मैं। कौन था? काम वाली। हाय मेरा गुड़िया, कैसी है तू? ठीक हो भैया? ठीक है ना? हाँ जी। अच्छा तेरे को चाबी मिल गई थी? हाँ भैया, तभी तो हम लोग घर में हैं। ओह सॉरी, हमारी बातों में मैं मिलाना भूल गया। ये मेरा रूममेट रमन, एंड रमन मीट माय गुड़िया अदिति। हाय अदिति। हेलो रमन भैया। रमन भैया चलो चले। रमन दरवाजा लॉक करके आई हो। तुमने बताया ना भैया को हमारे बारे में? आराम से बता दूंगा। सुनो, तुम्हारे पास आज रात तक का टाइम है, जाके खुद बता दो, नहीं तो कल सुबह तक मैं बता दूंगी। सारे अपने भाई के गुण ले रखे इसने। गर्मी नहीं होगी बहुत? हाँ एसी तो ऑन है। और अद्दू तुम क्या बोला तूने? तूने क्या सुना? मैंने सुना अद्दू। नहीं, मैंने आदित्य बोला। ओह अच्छा, मैंने गलत सुना होगा। लेकिन तूने अदिति को आदित्य क्यों बोला? किसने बोला? अरे तूने बोला। क्या आदित्य? मैंने कब बोला? ये तो तू बोल रहा है। अरे अभी तो तूने बोला। भैया आप डिनर करो ना, बाद में बात कर लेना, चाहे दिति बोला हो या दित्य। जो बोलना चाहिए वो तो बोला नहीं। दिति क्या बोल रहा है? मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? अरे यार कब तक नाराज रहोगी? अरे कर लूंगा ना तुम्हारे भाई से बात। तब जब मेरे बच्चे तेरे पीछे मामा के रेस लगाएंगे तब। एक तो मुझे समझ नहीं आता, तू हर बात पे शादी और बच्चे क्यों ले आती है? तो और क्या करूं? पूरे 3 साल हो गए, पूरी कॉलोनी को हमारे बारे में पता है सिवाय मेरे भैया के। एक काम दिया था ना तुझे। अरे कैसे बता दूं? अरे कैसे बता दूं यार उस आदमी को जो मुझे हर रोज साला कुत्ता बुलाता है कि असल में भाई तू मेरा साला रमन क्यूटी है यार, क्यूटी है भैया। हाँ तेरा भाई क्यूटी है यार, क्यूटी तेरा भाई। रमन भैया अभी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मतलब तू यहाँ क्या कर रहा है? तू सोया नहीं? भैया मैं तो यहाँ बैठ के पढ़ रही थी, यह आया था आई लव यू लेके। मैं तो डराने आया था। दीदी डर गई। मैं डर गई? बात पे तुझे गर्मी लग जाती है। प्रपोज तो बड़ा कूल बन के किया था, एक बार गर्लफ्रेंड बन जा। और उस दिन क्या बोला था तू मुझे कि भैया घर पर नहीं है, घर आ जा, नेटफ्लिक्स एंड चिल करते हैं। अरे यार वो तो मैं इसकी वजह से। एक सेकंड, क्या कर रहा है? अभी सो रहा है तेरा भाई, अबे नींद में दौड़ता है ये, अबे निंदोड़ा है ये। इसका मतलब भैया ने भी तो कुछ नहीं सुना। कुछ भी नहीं सुना। एक सेकंड आइडिया। मैं और तेरी बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। क्या कर रहे हैं? अबे मैंने सुना है कि अगर सोते सोते आदमी को कुछ बात बता दो तो धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठ जाती है। कहाँ पढ़ाई? अरे सविता भाभी। कौन? मेरी एक भाभी है सविता, उन्होंने बताया था मुझे। एक सेकंड। और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं और तू मेरा साला होगा, साला। हाँ, शबनम होंठ रसीले तेरे। जिस दिन रमन घर से बाहर निकल गया उसी दिन तेरे साथ इतना लूडो खेलूंगा, इतना लूडो खेलूंगा, तू नहीं जानती। तेरे भाई ने मेरी चुम्मी ले ली। यार दीदी अजीब सी सूजन है यार लिप्स पे, ऐसा लग रहा है जैसे मच्छर काट गया हो। यार इतनी घटिया स्मेल आ रही है मेरे मुंह से, ऐसा लग रहा हो जैसे गटर जैसी। बिल्कुल बिल्कुल गटर जैसी यार। और एक बहुत अजीब सा सपना देखा मैंने रात में। मैंने देखा तुम दोनों यहाँ बैठे हुए थे, मैं अपने रूम से आया और मैंने उसको कुछ बोला होगा। हाँ बिल्कुल सही बोला तूने। एक मिनट, पर तुझे कैसे पता कि मेरे सपने में तूने क्या बोला? अरे मैं भी तो था वहां पे, अभी तूने बोला। अरे 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 हाँ यार, अरे मैंने तो इसको बताया था कि मेरे सपने में था। क्या हो गया आजकल मुझे? पर एक सेकेंड, कोई आया हुआ है, मैं एक बार देख आता हूँ। हाँ और भैया कैसे हो? भाभी जी बड़े दिनों बाद दिखी। भाभी? इसको बोल रहा है भाभी है? क्या बोला तूने? हमने बोला भाभी जी बड़े दिनों बाद दिखे। अबे क्या बोल रहा है ये? अरे हम इनको भाभी जी बोल रहे हैं। अरे मेरी बहन है, बीवी नहीं। तो बीवी तो हमारी भी नहीं है, तभी तो भाभी बोल रहे हैं। तो भाभी क्यों? अरे तो भाई की सेटिंग को भाभी नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? अबे कौन सा भाई, कौन सी बहन, कौन सी सेटिंग? अरे इनकी सेटिंग। एक घर में रहते हो, पता नहीं क्या एक दूसरे के बारे में। पागल बना रखा है। मैं नहीं आऊंगा आज के बाद दूध देने यहाँ पे। सुन नवी, तुझसे मैं एक बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सबसे पहले तू मेरे मुंह से ही सुने। मैं और तेरी बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वाह, अभी भी क्यों ही बताया? That's true. वैसे भाई मुझे नीचे क्यों बिठा रखा है? कब से चल रहा है सब? भैया दो हफ्तों से बताने दे यार भाई को सब कुछ। 2 हफ्तों से चल रहा है। 2 हफ्ते से? हाँ। ऐसे क्या देख रहा है? तेरी बहन से प्यारी तो करता हूँ, कौन सा तेरा गांजा चुरा लिया? नहीं नहीं अभी लेट मी स्पीक। यार तेरी बहन से भी मैं उतना ही प्यार करूंगा जितना कि मैं किसी की और की बहन से करता। और यार तुझे तो खुश होना चाहिए कि हमने तुझे सिर्फ 2 हफ्तों में बता दिया। गुस्सा तो तब होता अगर हम तुझे 2 साल में बताते, है ना अद्दू? आई मीन आदित्य। वैसे यार तू सही कह रहा है। ऑफ कोर्स आई नो, मैं ओवररिएक्ट कर रहा था। हाँ से सॉरी। आई एम सॉरी। यस। और वैसे भी 5-6 हज़ार तू कमा लेगा, 60-70 हज़ार ये कमा लेगी। बढ़िया सीन है। चलो ये तो बहुत खुशी का मौका है। हाँ, हाँ। मैं जाता हूँ बाहर से कुछ लेके आता हूँ तुम दोनों के लिए। ठीक है? अरे नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे अदिति तुम कब आई? आंटी आप इसको कैसे जानते हो? ये है ना अदिति अपनी, ये रमन की गर्लफ्रेंड। अच्छा आपको पहले से पता था इसका मतलब? मुझे भी जस्ट अभी पता लगा कि इनका पिछले 1-2 हफ्ते से चल रहा है। 1-2 हफ्ते? अरे ये तो तब से यहाँ आ रही है जब तू यहाँ रहता भी नहीं था। रमन तू बहुत बड़ा बहन बनाने वाला आदमी है ना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, क्योंकि पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छी लगी वीडियो, मजा आया शूट करने में। आई नो थोड़ा सा मतलब लेट होगी वीडियो, बट कोई बात नहीं, वर्थ था। आई नो वर्थ था। तो प्लीज़ आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि लाइक कर दो? लाइक करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा लाइक करोगे उतने ज़्यादा लोग रिकमेंडेशन, मतलब उतने ज़्यादा लोगों की रिकमेंडेशन में ये वीडियो आएगी, उतने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी वीडियो। प्लीज़ लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। थोड़ी सब्सक्राइबर्स की यार स्पीड बढ़ा दो यार। प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो और उसको ऑल पे क्लिक कर दो ताकि जब भी वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ। बस यही है। थैंक यू सो मच एंड कमेंट, लाइक, शेयर एंड लव यू गाइस। बाय।